नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स में एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम पिछले कई समय से इंटरपोलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और इंटरपोलेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम लोग न्यूमेरिकल मैथड्स का यूज करके करते हैं। इट मीन्स दैट कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग अभी तक करके आए हैं, जिसमें हम लोग dy by dx निकालते थे और किसी फंक्शन को जो फार्मूले हमारी हमारे पास में है उनकी मदद से डिफरेंशिएट करते थे, वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई गिवन सेट ऑफ डेटा हो, तो उस गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए y की किसी x के करिस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। सपोज दैट हमारे पास में कुछ डेटा है बच्चों x और y का, राइट? हमारे पास x और y के कुछ डेटा है, इट इज x0, इट इज x1, x2, x3, x4 और यहां पर स्टूडेंट्स इसके करेस्पोंडिंग हमें y1 दिया है, y2 दिया है, y3 दिया है, y4 दिया है, y5 दिया है। नाउ सपोज दैट स्टूडेंट्स हमसे कहा जाए कि कोई x वैल्यू है, x = xi। ध्यान दीजिएगा, ये जो xi है, ये xi इन x0, x1, x5, x4 इनमें से कोई वैल्यू भी हो सकती है और इनसे अलग भी हो सकती है। तो अगर इस x = xi पर हमसे कहा जाए कि आप y - xi फाइंड करो या y - y" xi फाइंड करो, तो इस y - xi को फाइंड करने की जो प्रोसेस है, इस y - xi को फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उसे ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी हम लोगों को दो केसेस में पढ़ना है। एक पढ़ना है बच्चों फॉर इक्वल इंटरवल, ठीक है, फॉर इक्वल इंटरवल, और दूसरा पढ़ना है फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है ना, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। नाउ इंटरपोलेशन में इक्वल इंटरवल के लिए जो हम लोगों ने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस, और अनइक्वल के लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, दैट इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन मेथड। तो अनइक्वल के लिए जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो उसमें दो फॉर्मूले, लैग्रांजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज होगा, और इक्वल के लिए वो तीन फॉर्मूले यूज होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करेंगे किसी y फंक्शन को, यानी किसी y को x की किसी खास वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूले तो वही होंगे जो यहाँ पर यूज हुए हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डिवाइडेड डिफरेंस, सेंट्रल इंटरपोलेशन एंड सो ऑन। लेकिन उसकी मदद से हम कैसे डिफरेंशियल, यानी कि y- या dy/dx फाइंड करेंगे, उसे समझ लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी, जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है ना बच्चों, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वो क्या होता है? वो होता है y(x = y0) + p (del y0) + p (p-1)/(2) डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। ये होता है बच्चों, जहां पर x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वेयर x इज इक्वल टू होता है x - x0 / h, यानी कि सॉरी, यहां पर p इज इक्वल टू होता है x - x0 / h, जिसे हम लिख सकते हैं x = x0 + ph, लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर x की जगह पर क्या लिख दिया जाए, x0 + ph लिख दिया जाए, और जो इसमें टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, कौन से, ये p × p-1, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इट बिकम p² - p / 2 एंड डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट्स अ p³ - 3p² + 2p, ओके, एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड इट्स अ डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। नाउ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
कि जब हम x की जगह पर x x की जगह पर x की वैल्यू p के टर्म्स में लिख देते हैं तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होता है वो p के टर्म्स में बदल जाता है। और नाउ इस स्थिति में अगर इस न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p, तो अगर हम इसे p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy by dx, है ना, ये y dy by dx, और फंक्शन और फंक्शन से जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इनटू में क्या मिलेगा p, एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर y के साथ में ये जो था ना स्टूडेंट्स इसको कांस्टेंट की तरह, मतलब कांस्टेंट तो नहीं, इसको साइलेंट वे में लिख दिया है यहां पर, है ना, ये dy by dx, सॉरी ये dy by dx into h आएगा क्योंकि यहां पे जब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो p का 1 ये 0 और h यहां पर आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अ y डैश x आल्सो, ठीक, तो dy by dx into h और यहां पर भी into में h is equals to, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, y 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट्स अ 0, p का हो जाएगा 1 तो यहां आ जाएगा केवल del y 0 प्लस p स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2p और माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी कि इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 2 इज ओके, और del स्क्वायर y 0 प्लस ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3p स्क्वायर माइनस 6p एंड प्लस 2 एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड नाउ दिस इज del cube y 0 and so on, आगे के टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करके p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां भी कुछ चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बेसिकली ये फार्मूला है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का, जब आपको किसी x के करेस्पोंडिंग dy / dx फाइंड करना होता है तो आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि जब इस h को आप इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा dy by dx at any x value, at any x value, ठीक है, at any x, या डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx या y dash x is equals to, इस h को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाइए तो it become 1 upon h and it is del y 0 plus 2p minus 1 upon factorial 2 into del square y 0 plus 3p square minus 6p plus 2 upon factorial 3 del cube y 0 and plus so on. ठीक बच्चों, तो this is the numerical differential formula derived from the Newton's forward difference interpolation formula, जिसकी मदद से आप किसी x के corresponding किसी भी x value के लिए dy by dx की value find कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको dy by dx या y dash x find करने के लिए जरूरत किसकी होगी, del y 0 की, p की, del square y 0 की, p की and del cube y 0 की, और अगर data point ज्यादा है तो थोड़ा और आगे ये फार्मूला लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आप आसानी से इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, मैं यहां पर आपको फार्मूला याद करना नहीं, फार्मूला डिराइव करना बता रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से, ठीक है ना, और अगर आप इसी फार्मूले को फिर से डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू p अगेन तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन तो इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा d2y by dx square is equals to y double dash x और साथ में इन दोनों के यहां पर h भी आएगा तो उस h को डायरेक्ट अगर इस तरफ लिए जाएं तो it become 1 upon h square ये 0 हो जाएगा 2p इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p का 1 इसका 0 and it's a 2 upon 2 cancel p का 1 हो जाएगा तो it's only del square by 0 plus ये हो जाएगा बच्चों 6p it's a 6p
माइनस सिक्स टू का जीरो अपॉन में फैक्टोरियल थ्री यानी कि सिक्स एंड डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। ठीक बच्चों, यहां से सिक्स से सिक्स कैंसिल कर दोगे तो इट बिकम ओनली पी माइनस वन, इट्स ओनली बिकम पी माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंड इस फॉर्मूले की मदद से, ये थोड़ा और आगे भी जा सकता है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी x के करस्पॉन्डिंग y डबल डैश या d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है उसी तरह से आप न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलों की मदद से dy by dx और d2y by dx के लिए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने स्टूडेंट्स यहां पर आपको प्रोसेस बताया कि कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग फॉर्मूले डिराइव करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस। तीन के लिए आप इसी प्रोसेस से फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, बाकी ये जो तीन फॉर्मूले होते हैं, यहां पर स्टूडेंट एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो तीन फॉर्मूले होते हैं ये इक्वल इंटरवल के लिए यूज होते हैं और अनइक्वल इंटरवल के लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होता है ड्राइव करने के लिए। जब आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस या लैग्रांजिस मेथड यूज करेंगे तो वहां पर आप dy by dx और d2y by dx स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले fx बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले fx बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में, और जब x के टर्म्स में fx बन जाता है तो आप उसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि इक्वल इंटरवल में आपको fx पहले बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप फॉर्मूला ही बना सकते हैं नया, मतलब आप dy by dx और d2y by dx स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ही बना सकते हैं और उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको fx या yx इन टर्म्स ऑफ x फाइंड नहीं करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूले डिराइव। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी करस्पॉन्डिंग एक्स के लिए। एक क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड dy by dx at x is equals to 1.5 from following table, और हमारे पास जो टेबल है स्टूडेंट्स, इट्स अ x y, हमारे पास जो डेटा है बच्चों, इट्स अ 1.5 2.0 3.0 3.5 4.0 और ये है 3.375 7.0 स्टूडेंट्स इस डेटा पॉइंट के लिए हम लोगों को dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है at x is equals to 1.5 और यहाँ पर हमें एक्चुअल में इस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग ही फाइंड करना है 1.5 की करस्पॉन्डिंग dy by dx। ध्यान दीजिएगा, हमें yx फाइंड नहीं करना है, हमें dy by dx या y dash x फाइंड करना है। तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग जो डेटा गिवन है उसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। सो द फॉरवर्ड difference, so the forward difference table for given data, okay, for given data, तो यहां जाएगा बच्चों x और यहां जाएगा y, तो हम लोग आइए उनकी value लिखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर, तो it's
x0 की वैल्यू कितनी है, इट्स 1.5, इट्स 2.0, इट्स 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4.0 स्टूडेंट्स, ये है इसकी वैल्यू, 3 और 3 6 कुल मिला के इट्स 3.375, इट्स 7.0, इट्स 13.625, इट्स 24, it's a 38.875 and 59 ठीक। जब आप इसमें ये हो जाएगा आपका y0, जब आप इसमें first difference निकालेंगे बच्चों तो it's a del y0 जिसकी की value आएगी, मैं यहाँ direct लिखूंगा बच्चों using the book, del y0 की value आएगी बच्चों 3.625, यहाँ पर जो सेकंड डिफरेंस है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी 6.625, इट्स अ 6.625, जो थर्ड वैल्यू है बच्चों उसकी आएगी वैल्यू 10.375, जो फोर्थ वैल्यू है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी 14.875, और जो लास्ट डिफरेंस वैल्यू है इट्स अ 20.125। जब हम लोग सेकंड डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स अ डेल स्क्वायर वाई एंड यहां पर आएगा डेल स्क्वायर वाई जीरो एंड इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 3.0, जो सेकंड डिफरेंस है वो आएगा बच्चों यहां पे 3.75, थर्ड वैल्यू आएगी 4.5 एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2.25। जब हम लोग थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो हमें यहां पर मिलेगा बच्चों 0.75, यहां मिलेगा 0.75 और यहां भी मिलेगा 0.75, यानी कि इट्स अ डेल क्यूब बाय 0, डेल क्यूब बाय 0। और जब फोर्थ निकालने के लिए जाएंगे बच्चों तो डेल 4 y, तो हमें 0 एंड 0 मिल जाएगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया बच्चों फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोगों ने बनाया और ये फॉर्मूले मैंने इसलिए लिख रखे हैं बिकॉज़ इसका हमें यूज करना है, दैट्स व्हाई, और ये आपके दिमाग से स्कैप ना हो जाए, दैट्स व्हाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो टेबल बन गई, अब टेबल के बाद में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है यानी कि एच की, पी की और बाकी चीजों की, आइए उसे जरा लिख लेते हैं। लुक लुक एट हियर, गिवन x0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x0 है 1.5, x की वैल्यू कितनी है 1.5 क्योंकि इसी पर हमें y डैश निकालना है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 0.5, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इट्स अ x माइनस x0 अपॉन h, तो इट्स अ 1.5 माइनस 1.5 अपॉन h, h मींस 0.5, तो क्योंकि इट्स x और x0 दोनों इक्वल हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी 0 बच्चों, तो p तो हो गया 0। अब नाउ ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालनी है वैल्यू dy / dx की एट x इज इक्वल्स टू 1.5, तो दिस इज द फार्मूला जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, dy / dx इज इक्वल्स टू, dy / dx इज इक्वल्स टू y dash x is equals to 1.1 upon h del y 0 2p minus 1 upon factorial 2 and this. इसमें आप p की वैल्यू 0 रख दीजिए, h की जगह पर बच्चों 0.5 लिख दीजिए और जो भी टेबल्स वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। नाउ मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूं और एक चीज, इस फॉर्मूले को मिटाने से पहले मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर इसी क्वेश्चन में हमसे d2y / dx स्क्वायर की वैल्यू भी पूछी होती 1.5 पे तो हम इस फॉर्मूले में भी p की जगह पर 0 लिख देते, h की जगह पर 0.5 लिख देते, डेल स्क्वायर y की, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू लिख देते, डेल क्यूब y0 की वैल्यू लिख देते और वैल्यू निकाल लेते किसकी, y डबल डैश 1.5 की, या d2y / dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू पॉइंट सॉरी 1.5 पर। तो फिलहाल हमें ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना नहीं है इसलिए हम इसे मिटा देते हैं और जो निकालना है उस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। सिंस
ठीक, सिंस dy by dx is equals to this होता है बच्चों, तो this implies that dy by dx at x is equals to 1.5 या y dash 1.5 is equals to 1 upon h, यानी कि 1 by 0.5, right? And del y 0 की value है बच्चों 3.625, plus p की value 0 है, तो it's a minus माइनस हाफ एंड डेल स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू है बच्चों 3 प्लस ये 0 ये भी 0 इट्स अ 2 बाय फैक्टोरियल 3 तो 2 बाय फैक्टोरियल 3 का मतलब है 2 बाय 6 और डेल क्यूब वाई जीरो की वैल्यू है 0.75 और इसके आगे तो ये 0 है इसलिए इसके आगे ये फार्मूला जाएगा नहीं और जब हम लोग बच्चों इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और फाइनली वैल्यू निकालते हैं तो y dash 1.5 ये dy by dx at x is equals to 1.5 की जो वैल्यू आती है 4.75 तो दिस इज द आंसर ठीक तो इस तरह से हम लोग किसी भी x के करेस्पोंडिंग dy by dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं समझिएगा जरा इस क्वेश्चन में बाकी छुपी हुई चीजें क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बाकी चीजें भी समझा दूंगा लोग समझिए अगर स्टूडेंट्स हम लोगों को इसी क्वेश्चन में dy by dx फाइंड करने को कहा होता x is equals to 4.0 पर तो हम लोग टेबल ऐसे ही बनाते लेकिन वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं बनाते फिर बनाते बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और यहां पर हम लोगों ने जो dy by dx at x is equals to 1.5 के लिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करा है तो हम अब यूज करते हैं यहां पर बच्चों बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्योंकि जिस x पर हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है वो जो x वैल्यू है इस डेटा टेबल में जो लास्ट वैल्यू है x की उसके नियर या वो है ठीक है ना तो जब भी x की वैल्यू जिसके करेस्पोंडिंग हमें dy by dx या d2y by dx स्क्वायर फाइंड करना होता है वो जिस x डेटा मतलब टेबल में x की जिस वैल्यू के नजदीक होती है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला डिसाइड होता है अगर x की वैल्यू x0 के नजदीक है तो फॉरवर्ड डिफरेंस xn यानी लास्ट वैल्यू के नजदीक है तो बैकवर्ड डिफरेंस और बीच में किसी वैल्यू के नजदीक है तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज होता है लेकिन फिर मैं यह बात कहूंगा स्टूडेंट कि पेपर में कभी ऐसे मेंशन नहीं होता है कि आपको इस मेथड का यूज करना है ये आप खुद डिसाइड करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि सर मान लीजिए कि यहां पर 4.0 के लिए पूछा होगा और मैं अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज कर दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा तो मैं ये कहूंगा नहीं इट्स नॉट इनकरेक्ट वो भी सही होगा ठीक है ना लेकिन यूजुअली एग्जाम में बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो उस मेथड का यूज करें जो कि सूटेबल हो तो अगर यहां के नजदीक हो तो न्यूटन्स फॉरवर्ड और यहां के नजदीक हो तो बैकवर्ड सेंट्रल का भले आप यूज ना करें आप अगर सेंट्रल के नजदीक कोई वैल्यू हो तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर दें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना वो भी चलेगा और अगर कर दें सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन वाला जो फार्मूला है उसकी मदद से dy / dx और d2y / dx स्क्वायर निकाल दें तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स तो इक्वल इंटरवल के लिए आप इस तरह से काम करेंगे और अनइक्वल इंटरवल के लिए तो आपको स्टूडेंट्स पूरा मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा बच्चों उसमें तो पहले आपको जो भी फॉर्मूला है उसमें x की जगह पर कुछ मत लिखिएगा x की जगह पर कुछ मत लिखिएगा और पूरा का पूरा सॉल्व करके fx निकाल लीजिएगा और फिर उस fx को डिफरेंशिएट करके f'x f"x जो भी पूछा जाए वो निकालिएगा और फिर उसमें x को पुट करिएगा मतलब जिस x पर आपसे dy / dx या d2y / dx स्क्वायर पूछा जाए उस x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन की मदद से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के कांसेप्ट को समझा मैंने यहां पर आपको केवल एक फार्मूले को एक फार्मूले की मदद से dy / dx और d2y / dx स्क्वायर के फार्मूले को डिराइव किया आप ऐसे ही न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की मदद से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले की मदद से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं तो आई थिंक इस शॉर्ट वीडियो में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो आप लोगों को समझ में आया होगा लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आता है तो हमसे आप जरूर पूछें
हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।